सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की, उसकी बैठक आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिन की बैठक होनी थी और बैठक का ये दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ ये समापन होना है। पार्टी का 2023 में हर चुनाव जीतने का संकल्प है और ऐसे में कल हमने रविशंकर प्रसाद को भी सुना था साफ तौर पर, उन्होंने भी हर राज्य में जो 2023 में जो राज्य है जो चुनाव में जाने वाले हैं हर राज्य में जीत का संकल्प उनकी ओर से लिया गया था और साथ साथ धरातल पर तमाम वो योजनाएं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाई गई हैं और साथ साथ राज्यों के विकास के लिए दिशा धारा तय करने के लिए अहम है, उन्हें ग्राउंड जीरो तक पहुंचाने के लिए कहा, साथ में जोर दिया। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद है और जोर इस बात पर रहेगा कि रणनीति बनाई जाए और मिशन 2024 पर फोकस किया जाए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नेशनल चेहरे, न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल चेहरे के तौर पर उभरे थे और उसके बाद 2019 का भी चुनाव हुआ था और अब तैयारी 2024 की है। न सिर्फ 2024 की तैयारी है, इसके साथ ही 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो 2023 में है उनमें भी कैसे जीत हासिल की जाए, क्योंकि बीजेपी का यह संकल्प है कि जितने भी विधानसभा चुनाव 2023 में है उन सब में जीत का परचम लहराना है। कहीं भी किसी भी एक राज्य में हार नहीं होनी चाहिए। बाकायदा उन सीटों का चयन किया गया है जहां पर बीजेपी कमजोर है और कैसे उसे मजबूत किया जाए इसकी रणनीति तैयार की गई है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे दिन संबोधित करने वाले हैं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और जाहिर सी बात है इसमें वो जीत का जो गुर है वो सिखाएंगे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें। इसके अलावा जो तमाम मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के वो भी इसमें शामिल रहने वाले हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के अलग अलग राज्यों के वो इसमें शामिल रहेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहेंगे। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, फिलहाल तस्वीरें एनडीएमसी सेंटर के बाहर अंदर की देख रहे हैं आप। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आप जेपी नड्डा को भी देख रहे हैं। 12 राज्यों के सीएम शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा, G20 का आयोजन, क्योंकि पिछले साल आपको भी याद होगा कि दिसंबर में भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली थी। ऐसे में एक अहम जिम्मेदारी भारत के ऊपर G20 का सफल आयोजन कराने की भी है, इसको लेकर भी रणनीति बनेगी और इस मीटिंग में 35 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। 12 राज्यों के सीएम शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी मंथन होगा। 37 प्रदेश अध्यक्ष, G20 का आयोजन किस तरीके से हो रहा है, तो कौन कौन मीटिंग में शामिल हो रहा है और क्या कुछ मंथन होगा, और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी यतेंद्र भी जुड़ गए हैं। यतेंद्र, मीटिंग का, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं जिन पर चर्चा होगी और सबसे अहम जिम्मेदारी जो अब की बार भारत के ऊपर है वो है G20 का सफल आयोजन कराने की, इसको लेकर क्या कुछ? देखिए बिल्कुल, आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा और अंतिम दिन है। अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम सभी बड़े नेता जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वो यहां पर पहुंच गए हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी यहां पर हैं और प्रदेश अध्यक्ष, जो प्रदेश संगठन मंत्रियों को भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में बुलाया गया है। यानी आज जो दूसरा दिन है, जो आज उसका एजेंडा है वो साफ तौर पर जो गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई थी उस जीत का एनालिसिस करना है कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास किया और रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाई, तो उसका एनालिसिस किया जाएगा। जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल, उनका उद्बोधन होगा, वो अपनी पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने चुनावी रणनीति बनाई और जीत एक बार फिर से बीजेपी की झोली में डाली। एक प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव पर फिर डिस्कशन होगा, माना जा रहा है कि वो आर्थिक प्रस्ताव हो सकता है और जो बीजेपी की जन कल्याणकारी नीतियां और विश्व में जिस तरह से आर्थिक स्थिति के तौर पर विश्व में एक भारत की मजबूत पहचान बनी है, तो उस प्रस्ताव को सामने रखा जाएगा, फिर उस पर डिस्कशन होगा। यह पहले सत्र का पार्ट है। इसके अलावा एक प्रस्ताव और आ सकता है जिसमें बीजेपी
जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार देने की बात की जा सकती है। हालांकि अभी तक इनफॉर्मल जो आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस तरह का एक प्रस्ताव भी आ सकता है। इसके अलावा G20 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी जिस तरह से लगी हुई है उस पर भी चर्चा की जा सकती है। और जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो इस पर पूरा अपना स्टेटमेंट देंगे, जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उनको बताएंगे, और इसके बाद समापन जो होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण करेंगे। जी।